रात भर जाग के मेहंदी लगाई हूँ कैसे कैसे करके, मुझे तो इतनी चाहिए, ये हाथों में इतनी चाहिए ना, दो दो जल्दी। तो जोया के फ्रेंड्स आए हैं, आज बिरयानी पार्टी कर रहे हैं लोग। ये नए फ्रेंड है कोई, क्या नाम है? मनी में से ना रखे बोलो। अभी हमको खाए, हम लोग खाएंगे। भूख लगी है लगता है जोया को बहुत। ये है मेरे नाल, आप सब लोग तो जानते ही है। चलो आप लोग, ठंडी हो जाएगी बिरयानी, एंजॉय करो। चलो ईद मुबारक बोल लो सब लोग। आज पास ईद है, चलो खाओ। अच्छी लगी बिरयानी? कैसे लगा सब कुछ खाना वाना? शिरकुरमा कैसे लगा बताओ? सोई अम्मी हमेशा अच्छा बना। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। चलो बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? तो आज है बासी ईद। अब जो है, अब मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि थोड़े बहुत गेस्ट आ ही रहे हैं, तो फिर वो थोड़ा बहुत रेडी रहना अच्छा ही लगता है। वो अवतार में रहेंगे तो वो सामने वाले इंसान को भी ऐसे लगेगा कि हम क्यों आए, इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं बट आप लोगों को नहीं बता रहे क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आता, इसलिए मैं हम लोग नहीं शूट करते हैं। तो आज मैंने ये ड्रेस पहना है, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी पहन चुकी थी, फिर से रिपीट किया है। मुझे ड्रेसेस रिपीट करना अच्छा लगता है, क्यों, एक बार पहनने के बाद फिर वो ऐसे ही पड़ा रहता है, बट मैं पहन लेती हूँ, रिपीट कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज बासी ईद, आप लोगों की ईद कैसी गई मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपने ईद में क्या क्या खाने के लिए बनाए हैं और क्या क्या किया आप लोग ज़रूर मुझे बताना, और ईदी कितनी मिली वो भी बताना, ठीक है? और ये लोग आने के साथ क्या देख रहे हैं? अभी अभी अपलोड किया है मैंने अपने आप को, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी। तुम ड्रेस बहुत अच्छा है, और तुम्हारा ड्रेस पैटर्न वगैरह कभी ये बताओ हमको, हमको भी सजेस्ट करो कभी, ठीक है? नेक्स्ट टाइम कुछ फैब्रिक लूंगी ना तो तुम ही डिजाइन करना, ठीक है? बहुत प्यारे, मस्त। और ईद का किसने, तुमने ही डिजाइन करवाया? मतलब फैब्रिक लिए या था ऐसे? ये तो फैब्रिक है। ओके, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, बासी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक, बासी ईद मुबारक, बहुत 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 शुक्रिया हमारे घर आने के लिए, हम गरीब के घर। अरे अरे अरे, क्या हमको शर्मिंदा कर रहे तुम, हमको शर्मिंदा मत करो। अस्सलाम वालेकुम, गले में नमाज पढ़ रहे हैं। अरे तुम लेट आए ना कल, और ये देखो इतना क्यों टाइम लगा आपको? अच्छा चलो, गरम शोहर जी ने बाहर से तंदूरी लेकर आए और बिरयानी है, तो पता फटाफट खाना निकालते हैं, फटाफट खाना निकालते हैं, ठीक है? और हमें खाने के लिए क्या है यहाँ? कैसे बना? बहुत टेस्टी। मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैं ना आपको मेरे हाथ की फिक्की दाल जरूर खिलाऊंगी। तुमने खाया है मुमते ना कभी फिक्की दाल? खाया ना? हाँ, इसको तो पता है, तुम लोगों को खिलाऊंगी इंशाल्लाह। समायरा कितना प्यारा लग रहा है पता है कलर तुम पे, माशाल्लाह। और उसके बगल में जो बैठी है वो तो एकदम अलग हटके दिख रही है, ब्लैक स्कार्फ से व्हाइट स्कार्फ तो पहना है, अच्छा लग रहा है, मस्त माशाल्लाह, सब प्यारे लग रहे आज। चलो एंजॉय करो। कैसे बना शिरखुरमा? बहुत अच्छा बना। कैसे बना शिरखुरमा? बहुत अच्छा बना,
ये मेरा अच्छा सेकंड प्याला है, माशाल्लाह। अच्छा ये मेरा सेकंड प्याला है, क्योंकि मैंने रेसिपी दी ना तो रिव्यू तो बनता है ना, तो लोग भी ट्राई कर सकते हैं ना। अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। ये क्यों नहीं पिए तुमने? घर में भी नहीं पीती है। क्यों? तो प्लेन छान के खवा कस्टर्ड पाउडर का थोड़ा सा रेसिपी और द व्लॉग। यस राइट, कल के व्लॉग में है, ईद के व्लॉग में रेसिपी। इंशाल्लाह। आपका क्या कम था क्या? इससे भी टेस्टी था कल का जो है। हमारे पे मैंने वो नहीं करी, कस्टर्ड नहीं डाले थे, खवा नहीं, लेकिन बेस्ट, बहुत अच्छा बना, मस्त बना था, इससे भी अच्छा बना था। चलो अच्छा लगा ना सब खाना ना, आते रहो ना ऐसे ही चक्कर मारते जाओ। मैं तो बुला बुला के थक गई हूँ आप लोगों को। चलो आ जाए, मुझे बहुत खुशी हो। ईदी मिली मुझे, अब इसके बाद शौर जी की भी ईदी मिलने वाली है ना। शौर जी कल ही दी आपने ईदी, मुझको चाहिए पापा। और ये मम्मा यानी कि आंटी ने मुझे ईदी दी है ड्रेस, देखते कैसा है। और इसका दुपट्टा, और ये शायद पैंट्स का ये फैब्रिक है, ये है सेमी स्टिच। अच्छा चलो चलो, अभी शौर जी अभी आपकी बारी। हमारी क्या बारी? अच्छा ठीक है ना, कल सुबह में सीधी, क्योंकि कब दिए? नहीं दिए आपने? मम्मी ने किसमें से निकाल के दिया, वॉलेट में से दिए थे। अच्छा वो आपकी थी? नहीं मेरे को दोनों की कंबाइन मम्मी ने दी। हां दोनों की कंबाइन ही दी है, बस हो गया। कितने टोटल है? और तुमको क्या ईदी देनी थी? तुम तो खुद फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है, जाओ सब तुम्हारे। वो ऐसा वो फाइनेंस नहीं, ऐसा हाथ में ईदी रखेंगे। आपके लिए मेहंदी भी लगवाई इतने रात तक जाग के, 4 बजे तक। थैंक यू थैंक यू। वो एक ने रात भर जाग के मेहंदी लगाई हूँ कैसे कैसे करके। मुझे तो ईदी चाहिए, ये हाथों में ईदी चाहिए, लाओ दो दो जल्दी। फिर आपको पता है मैं कुछ नहीं लूंगी उसमें से, सब दे रहा तुमको देखो, लेकिन फिर आपको पता है ना मैं नहीं लूंगी उसमें से कुछ, निकाल के दो। हाँ मैं उतना अमाउंट मेरी इतनी समझ के ले लूँ। नहीं नहीं दे रहा ना निकाल के, नहीं तुम्हारे लिए तो सब कुछ है, जितने जितने आ रहे उतने तुम्हारे। देखो मैं वापस नहीं दूंगी आपको। हाँ ठीक है पक्का, थैंक यू। बस एंजॉय, अल्लाह का करम है, कभी ये वॉलेट खाली नहीं रखा। अभी ईद मुबारक, बासी ईद मुबारक, एडवांस में तासी ईद मुबारक, ठीक है। चलो बोलो आप यूट्यूब फैमिली को कुछ। चलो 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 चलो, नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी मेरी ईदी, वो याद रखो। बचपन में मेरी ईदी लेके पता है मेरे को, मेरी बचपन की ईदी अब तक नहीं मिली हुई है। मेरी बचपन की ईदी सब मम्मा मम्मा के पास है, और मम्मा ने अब तक मेरे हाथ में आई नहीं वापस। अभी तक उसमें से किसने भी ले लिया ना, मम्मी ने एक रुपया लिया ना, मम्मी कितने काउंट कर दिया, 1 2 3 4 5 भी नहीं जितने हाथ में आए उतने दिया। अब जितने आए हाथ में उतने ना, बाकी के 500 मेरे को दे दो। चल चलो थैंक यू, एंजॉय। अल्लाह करे हर किसी को ऐसा शौहर मिले, मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ। ठीक है मेरे को तो बहुत है, मैं संभाल के रखूँ इसको। वाओ थैंक यू, हम सब गए देखो गर्मी में किधर जाते हैं, महाबलेश्वर वगैरह तो सब जगह। हाँ किधर तो भी जाने का हम लोग प्लान बना रहे जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं है, अगर किसको मालूम है पूना के आसपास पास कुछ अच्छी प्लेस एकदम पीसफुल इंटरनेशनल लेके जा रहे, तो खेलने के लिए चुप ना, बच्चों के लिए वगैरह कुछ खेलने के लिए, और हम लोग के लिए भी रहने के लिए, ऐसा मतलब
थोड़ा सा ऐसा लगे कि हम लोग कहीं दूर अच्छी जगह सुकून वाली जगह है तो ज़रूर बताना आप लोग, अगर आप लोगों को पता है आप लोग जा चुके हैं तो ज़रूर हमको क्या बोलना सजेशन देना, तो हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पे ट्राई करने की जाने की। ठीक है, अभी मई की छुट्टी है, बच्चों को छुट्टी है, रमज़ान भी ख़त्म हो गया तो आराम से जा सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स लगेगा। और शौर जी को भी थोड़ा छुट्टी लेने लगाऊंगी मैं, चार बजे बहुत काम कर लिया इन्होंने भी पूरा रमज़ान, ये भी थक चुके हैं। चलो अभी खाना खाते हैं, उन लोग भी गए, बहुत अच्छा लगा उन लोग आए तो, है ना। तो चलिए अभी खाना। तो ये कौन है पूरे व्लॉग में नहीं आई? तो ये अनु ने ही फैब्रिक चूज की थी। बासी मुबारक, अरे मुबारक। हाँ ठीक है, और क्या बोलेंगे आप आपके प्यारे से बच्चे को? कैसे है? और पूछो सबकी ईद कैसी गई? सबकी ईद तो बातचीत कैसी गई? अरे वाह, और सबने क्या क्या पहना था? ब्यूटीफुल ड्रेस। हाँ आपको पहले से ही पता है। अच्छा, और सबको पूछो कल का ड्रेस कैसा लगा? कल का ड्रेस कैसा लगा? और ये ड्रेस कैसे लगा? और ये ड्रेस कैसे लगा? मुझे दोनों बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा लगा ब्लू भी अच्छा लगा। ब्लू भी अच्छा लगा ना, ब्लू में तो आप बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह, लेकिन कल तुम आ ही नहीं रहते ज्यादा वीडियो में, फोटो भी नहीं निकाल रहे थे, गार्डन में ही खेलने में बिजी थे आप। मेहंदी दिखाओ, आपकी कलर आई मेहंदी में? वाओ, काली काली पीछे, पीछे के नहीं आई, नहीं आई, वो पीछे की थोड़ी कम ही आती मम्मा। चलो सबको अल्लाह हाफिज बोलो। अल्लाह हाफिज। तो फाइनली ये क्या है? डराने मैंने डरती, हाँ मैं डर गई, तुम मेरे हो ही डराने वाली चीज। अच्छा तो खाना वाना सब हो गया है, ईद हो गई है, बस अगली खाना वाना सब हो चुका है, और भैया चला गया है, भाभी अपने घर गए हैं इस साल ईद मनाने, तो भाभी नहीं आए, जाने तो कभी कभी मन करता है ना, तो उनको भेज दिया है वहाँ पे, भैया ने बोला चलो इस बार वहीं पर ईद मनाओ। और जोया और मेरी पीछे की मेहंदी बिल्कुल सेम है, ठीक से दिखाओ ना। हमने मेहंदी भी इस बार ट्विनिंग किए हैं, ये तो हमने दिखाए नहीं थे, बहुत ही प्यारी बहुत ही प्रिटी लग रही है। इसको मेरी पीछे की मेहंदी अच्छी लगी तो बोली मम्मा मेरे को अच्छी लगी, मैं कैसे लगाऊं? मैंने क्या वॉश में ट्विनिंग कर ही सकते हैं माँ बेटी, कुछ नहीं होता है ना, ड्रेसेस ट्विनिंग कर सकते तो मेहंदी तो कर ही सकते हैं। कुछ बोलेंगे? मम्मा को यूट्यूब पे वेरिफिकेशन का मार्क आ गया है, थैंक यू, हार्ड वर्क मानती हो ना तुम ज़्यादा। अच्छा तो बहुत प्यारी लग रही थी कल भी आज भी माशाल्लाह। और तुम्हारे फ्रेंड्स लोगों को सब कैसा लगा खाना वाना? चलो नेक्स्ट ईयर नहीं, बकरीद में इंशाल्लाह मैं सबको बुलाऊंगी, जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं ना सबको इंशाल्लाह बुलाऊंगी, अगर जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मैं वेज बिरयानी बनवा दूँगी, कोई नहीं। तो चलो बहुत अच्छा हो गया, ईद बहुत अच्छे से मन गई है, सब बहुत अच्छे से आए मिले, बहुत अच्छा लगा सब कुछ। शौर जी चले गए, गुस्सा हो गए रहेंगे ना, मैंने दिल्ली इसलिए है ना, क्या गुस्सा हो गया ना मैं दिल्ली इसलिए आपसे? वो नहीं, मैं मेरा चश्मा ढूंढा, चश्मा का इधर के ठीक है, देखो मैं तो उनके देती हूं आपको, टेंशन मत लो। तो बस अभी भैया चला गया है, भैया भी भाभी को मिला नहीं है ईद के दिन भी, तो अभी वो चला गया है भाभी के पास। और कैसे रहा आपका ईद वगैरह? बस ईद सब हमने बताया पहले, अभी तुम भूल गए शायद, अभी ये आज का दिन बताया आपने, कैसे गया? अच्छा गया। तुम रहेंगे तो कैसे जाएंगे, बच्चे रहेंगे तो कैसे जाएंगे? तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब अच्छे से हो, सारी चीजें सब मेरे फैमिली मेंबर्स खुश हो जाए, बस ये लोग खुश है ना मैं खुश हूँ, बस इन लोगों की स्माइल मेरे चेहरे पे स्माइल लेके आती है, तो मैं यही सोचती हूँ। तो आप लोग खुश है ना? मैं चिटुकला की जॉइन जॉ लाइन तो देखो, जॉ लाइन कैसे हो, बाप रे बाप, क्या कर क्या रहे, करती क्या हो तुम? अपने आप गॉड गिफ्ट, अल्लाह गिफ्ट है ना। तो क्या बोलेंगे अशोक जी? वही है, क्या बोलेंगे हम, अच्छा रहा सब कुछ, मजे करें बस ईद। लेकिन आप रमजान के बाद और ज्यादा गोरे हो गए यार, थोड़ा सा गोरानेस मेरे को भी डालो, गोरानेस। चलो वो मेरी लैंग्वेज सीख रहे, नूर नूर माशा, अल्लाह आपको हमेशा और अच्छा नूर दे, और अच्छे लगे आप, और अच्छा सब हो, सब अच्छा, सब अच्छा हो, और इसकी जॉलाइन और अच्छी हो जाए। आ, आउच। क्या हुआ? जॉलाइन इतनी शाक्ति के हाथ कट गया।
जो कब से डिकेड हो गया देखो देखो हाथ कट गया देखो देखो चुप पागल गाइस माय जॉलाइन इज वेरी शार्प आई गिव मी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आई विल कट दिस कुछ भी नहीं कुछ हां तो मैं अपने नाक के लिए भी बोल सकती हूं नहीं बोल सकती हूं मेरे नाक से भी मैं कुछ भी काट सकती हूं नहीं बट मैंने देखो ना सच्ची में काटी जॉलाइन से चलो एंजॉय सब थक गए सब सोने दो सबको सोने दो हम लोग भी सोते हैं नींद आई देख रहे हैं अबे उनको क्या पता अपने को क्या पता वो दिन में देख रहे हैं अपना व्लॉग क्या रात में देख रहे हैं थक गए अभी देखो उनको सोने दो वो लोग अपना व्लॉग देखे आप लोग हमारा व्लॉग देख कर ही सोना ठीक है आप जो है अनु को भी मिला लिया और अगर उठे हो अभी तो उठते उठने की नोटिफिकेशन की आवाज हाँ नोटिफिकेशन की आवाज आएगा पहले हमारा व्लॉग देखना ठीक है चलो तो मेरे भाभी का कॉल आ रहा है पहले बात करती हूँ फिर अम्मी अब्बा से भी मिलाती हूँ फिर व्लॉग एंड करती हूँ ठीक है तो ये रहे मेरे अम्मी अब्बा लास्ट जो ईद के व्लॉग में ना तो बोले कि तुम्हारे अम्मी अब्बा का बहुत थोड़ा सा लिए तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ ये लोग है ना एक्चुअली ये बहुत कैमरा शाय है लोग थोड़ा शायनेस होती है आने के लिए फिर भी अम्मी अब्बा आ जाते भैया तो बिल्कुल भी नहीं आता भाभी तो अपने मायके में ईद मना रहे आज बाजार में कोई मिला था उसका नाम लो बोले थे बोले था लड़के का नाम कोई मिला था क्या बोला था मेरा नाम लेने को बोलो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ इतना छोटा सा लड़का है था आप मिनाज असलम क्या अब दीदी मिनाज दीदी क्या खालिद शेख क्या तुम्हें नाम बोला उसने नाम याद नहीं है बट आपने मेरे अम्मी अब्बा को पहचाना थैंक यू सो मच तो हाँ तो क्या बोलेंगे तुम दोनों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू वालेकुम सलाम सबको ईद मुबारक अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और सेहतमंद रखे आमीन अल्लाह सब बेटियों का नसीब अच्छे बनाए और बेटियों को खुश रखे आमीन कौन से बेटियों सब बेटियों को हाँ सब बेटियों को अल्लाह ताला खुश रखे और तुम्हारे जवाई जैसा हर किसी का जवाई हो आमीन आमीन अल्लाह ऐसे दामाद सबको नसीब करे अच्छा है तुम्हारे दामाद बहुत अच्छे माशाल्लाह बहुत अच्छे क्या क्या अच्छा लगा तुमको अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है क्या अच्छा लगा तुमको अब्बा बहुत अच्छे है क्या बहुत अच्छे अरे तो आधा एक लाख अरे रुको ना रुको दो मिनट आधा एक लाख वगैरह सब अच्छे सिर्फ आधा एक लाख दिखा तुमको सब अच्छा है दिखने में भी अच्छे बहुत अच्छे है अल्लाह का शुक्र क्या बात है और बहुत बड़ा एहसान अल्लाह का झेल रहे मेरे को झेल रहे अब्बा मेरे को झेल रहे वो तेरे ख्याल कर रहे बहुत झेल रहे ना नहीं झेल रहे वो तो तेरे बहुत ख्याल करते तो मैं नहीं ख्याल रखती उनका रखते हैं चलो अभी नाना ईदी दे रहे बाप रे इतनी ईदी क्या बात है जोया आ जाओ मिलो तो देखे नाना खुश रखे मिले ना नाना से नानी से भी मिलो लेकिन मैं ज्यादा बच्चा हूँ हाँ नहीं नहीं मैं ज्यादा हूँ नहीं मेरा लाड हुआ हाँ ऐसे तुमने लाड किया मेरे को मत इसको मार मत इसको ये मत कर उसको गुस्सा मत कर तुमने इतना मारे वो चलता मेरे मम्मी ने मेरे को सबसे मारे झाड़ू से मारे बेलन से मारे सबसे मार खाए मैंने एक चीज के लिए क्या खाना नहीं खाती तुम खाना खाने का था ना फिर नहीं मारो बच्चे के से खाना खाती खाने बैठे क्या मार खाती मेरे को नींद आती थी मैं थक जाती थी ना स्कूल पढ़ाई से चल हट जा फोकस में से बच्चों से भी छोटी दिख रही ना चलो ठीक है अभी तुम लोग रुको एक मिनट में आती हूँ ड्रेस नहीं लिए तो क्या करूँ मैं तुमने ड्रेस भी नहीं ली बोले बहुत कपड़े तो लाए थे तो जाते तो मेरे हैदराबाद से इतने लाए ऐसे सीए थे नहीं पड़े थे इसलिए बोले असल मत लेकर ये तुम्हारी है वो मम्मी को दी मैंने ज्यादा नहीं है जितना मेरे से हो सका नहीं चाहिए मीना लेकिन तुमने तो अगले साल ले अगले साल ली थी ना ये इतना बड़ा ये वो तो मेरे को वो तो मेरा सपना था वो मैंने पूरा कर ये भी तो है अरे नहीं नहीं दोनों की मम्मी मैं जाने दो छोड़ो मैं गुस्सा हो गई छोड़ो ये जाने दो बोलो ना अनु
मेरी सब में बड़ी दौलत ये, बस तुम लोग की वजह से सब चीजें आ रही है ना, बस ये मेरी दौलत सबसे बड़ी है। हमको भी तू खुश है ना बस। हाँ मैं खुश हूँ ना, तुम लोग खुश है तो मैं खुश हूँ बस। हमको इतनी हाँ, तो मैंने ड्रेस नहीं ली, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने तुमको इतनी। अच्छा है ना, सोचो तुम्हारी बेटी तुमको इतनी दे रही है और क्या चाहिए। नहीं मेरे को नहीं अच्छा लगा, मेरे को ये इतना बड़ा ये। हाँ ये तो मेरा सपना था, वो मैंने पूरा किया। अच्छा है ना, देखो रोज मेरे मम्मी ये कंगन पहनते और उधर क्या देखो ना, फेंट भी नहीं हो गया, कितना सही है। चलो हो गया खुश। चलो अब जो है व्लॉग एंड करती हूँ, मेरे फोन में बिल्कुल स्टोरेज नहीं है। ये अभी ये भी खत्म होने से पहले मैं बोल देती हूँ, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। अल्लाह हाफिज।